What's up YouTube, welcome to the channel. And last time I have told you about how to do squats. That was for beginner. आज मैं आपको बताता हूँ squats के warm up कैसे करते हैं और proper posture correction क्या है. So squats के warm up में मतलब running तो करते ही हैं सब कोई, जैसे जी मैं आके अपना थोड़ा jumping किया, थोड़ा running किया, ये सब ठीक है. उसका knees को warm करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने knees को warm नहीं करोगे और फिर अगर आप मतलब lift करना start करोगे, हो सकता है आपकी knees damage भी हो जाए. सो नीज को मतलब कि मैं जो प्रॉपरली कैसे वर्क करता हूँ वो मैं आपको बताऊँ. बस मतलब कि दो मिनट तो नी को वार्म अप करने का सबसे इजी तरीका जो मैं बताता हूँ, सपोज कि ना अगर मैंने ना ये जो जूते हैं यहाँ पे हाथ फंसा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जोर से खींचने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ और इसे फिर मैं देखो बैठता हूँ. 1 2 3 ये आप 7 से 8 रेप लगाओगे ना आपके लिए पूरी वार्म अप हो जाते हैं, बहुत अच्छी ये हीट हो जाती है. और इसके बाद अब थोड़ा सा 1-2 लेग एक्सटेंशन बहुत ही कम वेट में लगाओ, आपकी ये लेग्स जो है मेंटली मतलब तैयार हो जाएगी. उसके बाद जो आपको अगला कदम करना है वो ये है कि आपको अपने लोअर बैक को भी थोड़ा वार्म करना जरूरी है. अब ये मशीन किसी की भी जिम में होती है. 1 2 3 इस तरह से आप 1-2 सेट्स लगाओ जब ये वार्म हो जाए. अगर ये बेंच नहीं है आपके पास तो आप प्लेन बेंच में आप कहीं भी पैर फंस आके आप इस तरह से भी वार्म कर सकते हो, ठीक है. ये जब आपने वार्म कर लिया, थोड़ा सा शोल्डर्स आपने वार्म कर लिए ताकि रोड पकड़ने में आसानी हो, उसके बाद फिर हम रैक में जाते हैं. अब यहाँ पे हम रैक में चले गए, यहाँ से वी आर रेडी टू परफॉर्म द स्क्वाट्स. अब यहाँ से जब स्क्वाट्स लगाना है तो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आप जब इस रॉड के अंदर घुस जाते हो तो यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, हमेशा याद रखना. सो ये मैं घुस गया, 1 2 3 और स्क्वाट्स में हमेशा क्या है ना, सामने की तरफ देखो. अगर सामने की तरफ नहीं देखा और ये नीचे की तरफ देखो ना, तो मैं बताता हूँ क्या होता है. ये नीचे की तरफ देखा, अगर आप लिफ्ट कर रहे हो ना, ये ऐसे हो जाएगी, आप आगे अनबैलेंस हो जाओगे, गिर जाओगे, टूट जाएगी. आपको स्क्वाट्स में पैर का पूरा जो है ना कि बैलेंस पूरा एकदम इक्वली आना चाहिए, इक्वली ये बैलेंस लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. और उसके लिए आप सामने देखोगे और आपका लोअर बैक स्ट्रेट रहेगा तभी आपकी बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. अभी जैसे मैं सामने देख के दिस इज अ प्रॉपर स्क्वाट. आप मतलब आपका पूरे लोड मेरे मतलब पैर पे स्टेडी है और मेरा पूरा फोकस मेरे क्वाड्स पे है और पूरे अच्छे से आ रहा है. दिस इज हाउ यू शुड परफॉर्म. और इसमें अगर ज़्यादा पीछे चले जाओगे तो ये फिर पीछे अनबैलेंस हो गए. और ये मैंने टॉप प्लेट्स का टॉप प्लेट्स कहते हैं. आप जब स्क्वाट्स करो सामने की तरफ देखो, चेस्ट बार होना चाहिए और ये लैट्स इंगेज होने चाहिए रॉड पे और ये अच्छे से होल्ड होना चाहिए. और दूसरे और मैं अपने चंटू बंटू दोस्तों से कहना चाहता हूँ, यहाँ जो तौलिया और ये वो बांधते हैं, तो मेरे दोस्त अगर तुम इसे अपने कंधे को उठाने की ताकत नहीं रखते हो तो मत उठाया करो. ये तौलिया बांध रहे, ये बांध रहे करके कि यहाँ दर्द करता है वहाँ दर्द करता है, तो भाई मेरे मतलब जब इतने में दर्द करने लगेगा तो फिर बाकी पहन कैसे बर्दाश्त करो. सो बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. सो दैट्स ऑल आई टू से इन दिस वीडियो. अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ है सो यू कैन आस्क मी. और अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर जो ये DM कर करके Instagram पे जो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग करते हैं और कैसे फूल बनाते लोग. सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच. एंड थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा चैनल को ग्रो कराओ कि और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियोस बनाऊँ. मेरा चैनल कोई ये पेड चैनल नहीं है, मैं उसमें कुछ पैसे वगैरह कुछ वो नहीं लगा रखा मैंने. इट इज़ ऑल फ्री एंड इट इज़ ऑल फॉर नॉलेज पर्पज. सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी नवरात्रि.